दोस्तों यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मैजिक देखिएगा इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर मैंने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो दिख रहा है और यहाँ 61% बैटरी चार्ज है। यानी कि इस तरीके से अगर आप एनिमेशन फिट करना चाहते हैं और इसमें इस तरीके का आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अगर इस तरीके का एनिमेशन फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन सा मोबाइल है, ठीक है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फ़ोन में सिर्फ एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके पहले आप इस एप्लीकेशन के सेटिंग को समझ लीजिए और इसके फंक्शन को समझ लीजिए। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद इतना काम करने के बाद यहाँ पे इसको कट कर देना, हमें फ्री यूज करना है। उसके बाद यहाँ चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे डिफॉल्ट यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा जिसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। जैसे मैंने इसको अगर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, इस पर क्लिक करके इस तरीके से अगर मैं सेट करता हूँ तो इस तरीके का एनिमेशन दिखेगा। तो यह जब भी मैं चार्ज करूँगा तो इस तरीके से एनिमेशन दिखेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फ़ोटो भी लगाना है इसमें, इस पर हमें फ़ोटो भी लगाना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार्जिंग वॉलपेपर मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने क्रिएट कर रखा है एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, अभी बताऊँगा कैसे आपको क्रिएट करना है। इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया है ये फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंप्लीट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर किया उसके बाद सेट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेट नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस तरीके से सेट हो जाएगा, इस पर सेट वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग आएगा कि आप कितने सेकंड के लिए रखना चाहते हैं। जैसे मैं 30 सेकंड के लिए रखना चाहता हूँ। इस तरीके से लॉक स्क्रीन पर भी लगाना चाहता हूँ। सेटअप ट्यूटोरियल, इसको आपको इस तरीके से ऐप इन्फो में जाकर इस तरीके से आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। सारे जितने भी परमिशन सबको अलाउ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से सारा काम करने के बाद अब आपका जो है पूरी तरीके से यहाँ सेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं यहाँ पर इसको लॉक कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन, ये जो फोटो है 62% बैटरी है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों रही बात कि आपको यहाँ पे कैसे सेट करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको उस एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको जाना है, इस एप्लीकेशन का नाम पिकासो है। आप चार्जिंग एनिमेशन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको ये जो आइकन है इस पर क्लिक करके आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे आप काइंड मास्टर के माध्यम से एडिट करके यहाँ पे अपना फोटो सेट कर लीजिएगा। जब भी चार्जिंग में कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।